गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये है रायपुर विशाखापट्टनम का एरिया। रायपुर विशाखापट्टनम का पैकेज टू है ये, ठीक है। और मेरे पीछे अगर आपने अभी, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ जहाँ पर आप देखेंगे, ये एरिया पूरा बहुत ज़्यादा स्लोप वाला एरिया है। और यहाँ से पीछे तकरीबन 15-20 किलोमीटर का एरिया है जो पूरा फ्लैट है। और यहाँ से एरिया एकदम से तकरीबन 30 डिग्री तक नीचे स्लोप में चला जाता है। अब जाकर मैं चल भी रहा हूँ तो आप देख ही सकते हैं कि मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ। और ड्रोन को हमने ऑटो पायलट में लगा दिया है सो दैट कि मैं रिकॉर्ड कर सकूँ थोड़ा सा वीडियो। और यूजुअली मैं इस तरीके से वीडियो बनाता नहीं हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए और आपको दिखाऊँ कि किस तरीके से रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे का पैकेज टू बन रहा है। इसका पूरा वीडियो हम आगे देखने वाले हैं। तो ये तो जस्ट स्टार्टिंग है और तकरीबन हमने 30-35 किलोमीटर के एरिया को शूट किया है आज। और पूरे एरिया में काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है। आपको बता दूँ, पैकेज टू में दिलीप बिल्डकॉन काम कर रही है और दिलीप बिल्डकॉन सच में बहुत बेहतर काम कर रही है मस्ट से। और यहाँ से नीचे की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा स्लोप है यहाँ पे। और इस एरिया में ड्राइव करना और यहाँ तक आना और एक वीडियो शूट करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है ऑब्वियसली। तो यहाँ से आगे का प्रोग्रेस अभी हम देखेंगे कि कितना काम हुआ है। और जहाँ से एक्सप्रेसवे स्टार्ट हुए हैं वहाँ से आगे तक का एरिया देखने वाले हैं। अपडेट देखने से पहले एक्सप्रेसवे के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ उन लोगों के लिए जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं। रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे एक 464 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है जिसे 3 स्टेट्स को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है एट ए कॉस्ट ऑफ 20,000 करोड़। छत्तीसगढ़ में इस एक्सप्रेसवे का 124 किलोमीटर का एरिया आता है और इस पूरे 124 किलोमीटर के एरिया को 3 पैकेज में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि आज हम देखने वाले हैं पैकेज टू के एरिया का अपडेट जो कि 56.7 किलोमीटर का एरिया है। स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट का अपडेट और सामने ही आपको एक रोड दिख रहा होगा। ये एरिया पैकेज वन के एरिया है जिसमें कि शालीमार कॉरपोरेशन काम कर रही है। यहीं पे एक लोकल रोड है जो आपको मागर लोड से कनेक्ट करेगी। इस रोड को क्रॉस करने के बाद तकरीबन 600 मीटर का एरिया पैकेज वन के अंडर में ही आता है। उसके बाद आएगा पैकेज टू का एरिया। और पैकेज टू के स्टार्टिंग के एरियाज में आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा आगे जाते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन होता हुआ एरिया दिखाई देता है। ये एक एनिमल अंडरपास जहाँ पे अभी काम चल ही रहा है। टॉप डेक यहाँ पे इंस्टॉल करना बाकी है, बाकी गर्डर इरेक्शन तक यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आगे एक लंबा स्ट्रेच पे आपको रोड बनने का काम कंप्लीट ही दिखेगा। आप देखेंगे सेंटर में डिवाइडर भी बन के रेडी है, साइड में क्रैश बैरियर्स लगाने का काम चल रहा है। नेक्स्ट इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में छोटा सा एरिया अभी भी बाकी है जहां अर्थवर्क भी पूरा नहीं हुआ है, बट राइट साइड का पूरा एरिया तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। इनफैक्ट आगे बनने वाले एनिमल अंडरपास के लिए राइट साइड में टॉप टेक इंस्टॉल हो चुका है, लेफ्ट साइड भी गर्डर डिटेक्शन ही हुआ है। अगर लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो टॉप टेक की कास्टिंग का काम अभी चल ही रहा है। यहाँ से आगे का प्रोग्रेस आपको सेम ही दिखता है, काफ़ी लंबी दूरी तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, डिवाइडर्स भी बन चुके हैं, क्रैश बैरियर्स इंस्टॉल किया जा रहा है अभी। इनफैक्ट बाउंड्रीज को भी इंस्टॉल किया जा चुका है। बाउंड्रीज की बात करूँ तो यहाँ पे कंक्रीट की बाउंड्रीज नहीं लगाई गई है, वायर फेंसिंग लगाई गई है सो दैट कि एनिमल्स क्रॉस ना कर सकें एक्सप्रेसवे के ऊपर।
थोड़ा और आगे चलते हैं तो एक और एनिमल अंडरपास आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे गर्डर इरेक्शन तक कंप्लीट हो चुका है काम, टॉप डेक की कास्टिंग का काम अभी किया जा रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली लेफ्ट साइड में अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ। यहाँ से आगे का प्रोग्रेस वैसा ही है जैसा आपने अभी तक देखा है। नेक्स्ट एक और एनिमल अंडरपास है और यहाँ पे आप देखेंगे राइट साइड में टॉप डेक तक काम कंप्लीट हो चुका है, लेफ्ट साइड में अभी काम करना बाकी है। यहाँ से आगे काफी दूर तक प्रोग्रेस सेम ही देखने को मिल रहा है जैसा कि आपने पहले देखा ही है, इसलिए ऐसे एरिया में चलते हैं जहाँ पे करंटली कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। अब इस एरिया में देखिए आपको बता दूं, मैं पैकेज 2 के स्टार्टिंग पॉइंट से तकरीबन 15 से 18 किलोमीटर तक आ चुका हूं और इस एरिया में आगे आप आके आप देखेंगे मेजॉरिटी एरिया में आपको सिर्फ अर्थवर्क के और कोई भी काम होता हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये जो एरिया है यह काइंड ऑफ हिली सेक्शन है और यहाँ पर ब्लास्टिंग करके सड़क को बनाया जा रहा है। ये एरिया सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एरिया के अंडर ही आता है, अ काइंड ऑफ फॉरेस्ट आप इसे कह सकते हैं, और आप खुद ही देख सकते हैं न जाने कितने ही पेड़ों को काटा गया होगा इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए। बीच में कुछ एरिया ऐसे भी है जहाँ पे रोड लेइंग अभी भी किया जा रहा है, बट वो छोटा सा ही पैच है, अदर देन दैट पूरे एरिया में सिर्फ अर्थवर्क ही चल रहा है। इन एरियाज में ड्राइव करना और वीडियो को शूट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बीच बीच में काफ़ी सारे एलिवेटेड सेक्शंस दिखेंगे आपको और मेजॉरिटी उनमें से एनिमल अंडरपास ही बनाया जा रहा है सो दैट एनिमल्स कैन रोम अराउंड फ्रीली। फिर हम आते हैं एक ऐसे एरिया में जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस एरिया में बनाया जाएगा एक इंटरचेंज, और इस इंटरचेंज से निकल के आप धमतरी को कनेक्ट कर पाएंगे। थोड़ा आगे चलते ही आपको धमतरी रोड भी नज़र आ जाएगा। आपको बता दूं धमतरी रोड से तकरीबन 600 किलोमीटर पीछे रायपुर के साइड में बनाया जाएगा इंटरचेंज, और यहीं से एक कनेक्टिंग रोड भी होगी जो धमतरी का जो रोड अभी आपने सामने देखा है उस रोड से आपको कनेक्ट कर देगा आगे। अब क्योंकि यहाँ पे नीचे से एक रोड क्रॉस हो रही है इसलिए यहाँ पे एलिवेटेड सेक्शन बनाया जाएगा सो दैट कि धमतरी रोड पे कोई ट्रैफिक जाम ना लगे या फिर धमतरी रोड पे आने जाने वाले लोगों को कोई तकलीफ का सामना ना करना पड़े। और यहाँ से आगे जितना भी एरिया आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द एरियाज में अर्थवर्क के अलावा कोई खास काम नहीं चल रहा है। इन जगहों पर एलिवेटेड सेक्शन है वहाँ पे आप देखेंगे पिलर्स को बनाने का काम किया जा रहा है। अदर देन दैट जो एरिया प्लेन सेक्शन में आता है कुछ कुछ छोटे छोटे पैच में रोड लेइंग किया जा रहा है के अलावा पैकेज 2 के एंड तक मेजॉरिटी एरिया में सिर्फ अर्थवर्क ही चल रहा है।
अब क्योंकि ये पैकेज काफ़ी लंबा है इसलिए पूरे पैकेज को एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, बट फिर भी वी ट्राइड आवर बेस्ट टू शूट एज मच एज आई कैन। और आपको भी पता है आजकल मौसम का क्या हाल है, इस गर्मी के मौसम में ट्रैवल करना और फिर वीडियो शूट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। पैकेज टू में टोटल दो इंटरचेंज होने वाले हैं, एक इंटरचेंज का लोकेशन तो मैंने आपको दिखा दिया, एक और इंटरचेंज बनाया जाएगा पैकेज टू में जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको आया होगा पसंद, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए एंड हैव अ गुड डे।